दुनिया के जाने माने विश्वविद्यालयों में से एक अमेरिका के कैलिफोर्निया कृषि विश्वविद्यालय में हॉर्टिकल्चर किसानों के लिए कई लाभकारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भारत जैसे कम संसाधनों वाले देश के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने इस विश्वविद्यालय का दौरा किया और इस तकनीक के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के साथ हरियाणा कृषि विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। पूरा जो ग्रुप हमारा आया है, जो डेलीगेशन आया है, वो यहाँ की सारी व्यवस्था देखने के लिए और यहाँ की जो नई टेक्निक, जो नई रिसर्च, नई डेवलपमेंट हुई है उसको देखने के लिए और वहाँ इस टेक्निक के साथ साथ हमारे को वहाँ कितना फायदा हो सकता है। हरियाणा कृषि विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने सेलेना वैली और सेंटा मारिया में खेत से सीधे बाजार तक का मॉडल देखा और वहां के खेत, प्रोसेसिंग यूनिट और पैकेजिंग के प्रबंधन का अध्ययन किया। आप देख सकते हैं कि यहां किस तरह खेत में गोभी के फूल की तुड़ाई, धुलाई और पैकेजिंग हो रही है। ओपी धनखड़ ने अंगूर की खेती के लिए मशहूर लॉस ओलिवास का भी दौरा किया। कैलिफोर्निया के सेंटा मारिया से लॉस एंजलिस के हाईवे तक अंगूर की भरपूर खेती होती है। यहाँ के खेतों में लगे अंगूर से बनने वाले उत्पाद की फैक्ट्री का भी उन्होंने दौरा किया। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों को खेती करना तो सिखा रहे हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग और मार्केटिंग के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती। किसानों से जुड़े इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत की अमेरिका में MH1 न्यूज संवाददाता प्रीति जोशी ने। मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिस तरह की प्रैक्टिस यहाँ हैं, जिस तरह की पैकेजिंग यहाँ पर है और जिस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे उत्पादक हैं, लेकिन हम बहुत अच्छी अभी बिक्री नहीं करते, बहुत अच्छी पैकेजिंग नहीं करते, हमारी कोल्ड चेन अभी उतनी मजबूत नहीं है। तो ये जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जितना भी काम है वो अमेरिका में हमसे ज़्यादा अच्छा हो रहा है और उसी को हमने देखा और समझा है, और हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा किसान उन कामों के बारे में भी उसका अभ्यास हो जाए, उसको अच्छी पैकेजिंग मिले, वो वैल्यू एडिशन करना सीख ले हुए, वो अपने माल की मार्केटिंग करना सीख ले हुए, तो निश्चित रूप से उसकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। वही हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने अमेरिका के आयोवा राज्य का भी दौरा किया। यहाँ ओपी धनखड़ और आयोवा के कृषि मंत्री बिल नोरेंदे ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए। ऐसे स्टेप्स और आगे मिलकर बढ़ाना चाहते हैं आयोवा और हरियाणा, जिससे फिर से वहाँ के किसानों की तकदीर बदले और यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ के जो एक्सपीरियंस है वो हम वहाँ लेकर जाएं, वहाँ से जो कुछ मिल सकता है वो आयोवा को दें। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो साइन हुआ है, ये पूरे हरियाणा के किसानों की तकदीर को बदलने में सहयोगी होगा। वहीं कृषि मंत्री ने अपने विभाग के प्रतिनिधिमंडल के साथ वॉशिंगटन का भी दौरा किया और विश्व बैंक मुख्यालय में वहां के बैंक अधिकारियों से मुलाकात की और हरियाणा में पेरी अर्बन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीक और संसाधनों का सहयोग मांगा। वहीं कृषि मंत्री ने अपने विभाग के प्रतिनिधिमंडल के साथ अटलांटा में अमेरिकन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चरल साइंस की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। पंजाब के होशियारपुर से यहां आकर किसानी कर रहे डॉक्टर राज शर्मा ने बताया कि वो यहाँ 3000 एकड़ में खेती कर रहे हैं और वो इस वक्त अखरोट के सबसे सफल किसान बन गए हैं। हरियाणा कृषि विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने इनसे मुलाकात की और उनके अनुभव को जाना। अमेरिका से MH1 न्यूज संवाददाता प्रीति जोशी की रिपोर्ट।